हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स TGT, PGT, KVS, NVS एंड LT में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड दोस्तों, ये सीरीज नंबर 37 है। एंड दोस्तों, यदि आप इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज दिए जा रहे हैं, उसको लगाना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अच्छे बजट की विशेषता नहीं है? लचीला, संतुलित, अनुमोदित, अपारदर्शक। तो दोस्तों, अच्छे बजट की विशेषता लचीलापन होता है, संतुलित होता है, अनुमोदित होता है और पारदर्शक होता है, न कि अपारदर्शक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अच्छे बजट की विशेषता नहीं है? पारदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा विज्ञान वास्तव में एक सक्रिय रूप है, किसका है? व्यायाम का, कि एरोबिक का, कि मनोरंजन का, कि खेल का? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा विज्ञान वास्तव में यह मनोरंजन का सक्रिय रूप है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, रिवाज, कानून, शिक्षा, बल, क्या है? तो दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण का कानून, शिक्षा और बल, ये तीनों औपचारिक तरीका है नियंत्रण करने का, जबकि रिवाज जो है अनौपचारिक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है? निरंकुश, तानाशाही, अबंध नीति, जनतंत्रवादी? तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका खेल प्रशासन का है जनतंत्रवादी, यानी कि डेमोक्रेटिक। यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह एक अच्छे लीडरशिप नेता का गुण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे नेता का गुण दोस्तों, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व, वफादारी, तत्परता, बुद्धिमत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA क्लब, बालक स्काउट तथा बालिका गर्ल्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? शासकीय, निजी, स्वयंसेवी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मनोरंजन प्रदान करने वाले अभिकरण चार प्रकार के होते हैं, शासकीय, निजी, स्वयंसेवी और व्यापारिक, जिसमें से YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड्स ये स्वयंसेवी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से जुड़ी हुई हैं? जैसा कि आप सबको पता है, बाढ़ तथा सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के भेद कौन से हैं? अनुकूल, प्रतिकूल वातावरण, वातावरण की भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण की, प्राकृतिक तथा कृत्रिम वातावरण की, आर्थिक, भौतिक वातावरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण, यानी कि भौगोलिक या भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण, वातावरण के दो भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का अर्थ है क्या? है दोस्तों, वातावरण का अर्थ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यही वातावरण का अर्थ है दोस्तों। ये परिभाषा है ईएरॉस का दोस्तों, चारों ओर की दशाओं को वातावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर की हवा, वस्तुएं, हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं, वातावरण है। वातावरण का अभिन्न अंग है। इस प्रकार वातावरण उन सभी घटकों, कंपोनेंट से बना है जो हमारे जीवन या क्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने की को क्या कहते हैं या स्वीकार करने को क्या कहते हैं। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा एक्लिमेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग जलवायु विशेषकर पर्यावरण तापमान या भौगोलिक उन्नयन में परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के शारीरिक समायोजन यानी एडाप्टेशन या अनुकूलन को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है क्या है, स्वास्थ्य है कि स्वास्थ्यता है कि सहनशीलता है कि दक्षता है। तो दोस्तों पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है दक्षता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दक्षता का मतलब फिटनेस है, तो फिटनेस हमारे पर्यावरण को मांगों को पूरा करने के लिए मनुष्य की क्षमता है दक्षता फिटनेस। दोस्तों नियमित व्यायाम स्वास्थ्य दक्षता यानी हेल्थ एंड फिटनेस में सुधार लाता है, स्वास्थ्य को पूर्ण मानसिक शारीरिक सामाजिक रूप से अच्छा बनाने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें रुग्णता न हो। फिटनेस पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना वो उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है। तो ये दोस्तों नेतृत्व है जैसा कि आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से उत्तर दीजिएगा कि अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है प्रदूषित रहित पर्यावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी जीवन दिनचर्या, तनाव रहित जीवन। तो अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है पौष्टिक आहार। यहाँ पे पूछता अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य लक्षण क्या है, तो तनाव रहित जीवन अच्छी जीवनचर्या यही लक्षण है, बट यहाँ मुख्य कारक पूछा है तो यहाँ पे मुख्य कारक है पौष्टिक आहार अच्छे स्वास्थ्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न कितने भाग बताए हैं या कितने आयाम बताए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक मानसिक और सामाजिक, तीन स्वास्थ्य के आयाम बताए हैं WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वास्थ्य संकल्पनाओं में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है। तो दोस्तों यहाँ पे नवीनतम संकल्पना जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर सी धार्मिक संकल्पना, यानी कि स्वास्थ्य के तीन आयाम जो WHO ने दिया है शारीरिक मानसिक सामाजिक, उसके अलावा नवीनतम संकल्पना जुड़ा है धार्मिक संकल्पना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल और समुदाय दोनों की जरूरतों को संबोधित करने वाले एक स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में निम्नलिखित कारकों में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऑप्शन नंबर डी स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ साथ माता पिता और छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना जिनके हाथों में होनी चाहिए, किनके हाथों में होनी चाहिए, स्कूल या कॉलेज में जो संसाधन योजना है किसके हाथ में होना चाहिए, शायद शिक्षा विभाग के प्रमुख पर, कि संस्था या प्रमुख पर, कि सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पर, कि विभागीय निर्माण कार्यालय पर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह व्यक्ति निर्व्यक्तिकरण के कारण अंतर्बाधा प्रवर्तित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह है। तो दोस्तों जो पौष्टिक माना जाता है वह भोजन क्या है, एक बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा मिनरल्स विटामिन विद्यमान हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऐसा आहार या संपूर्ण भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन मिनरल्स फाइबर समुचित मात्रा में समुचित अनुपात में हो, उसे संतुलित पौष्टिक आहार बैलेंस डाइट बोला जाता है। ऐसे आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इससे समुचित शारीरिक और मानसिक विकास संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन क्यों आवश्यक है? अंग विन्यास विकृतियां के लिए कि तुरंत उत्तर के लिए कि अच्छी आदतों के लिए कि विकास के लिए? यहाँ पे आपका विकास सही आंसर हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन हमारे शारीरिक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? व्यायाम और आराम पर कि आहार और पोषण पर कि स्वच्छता और आदतें पर उपयुक्त सभी पर? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य के संबंध में है? जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य के संबंध में है? हाथ पैर की विसरल अंग से कि जीव संपूर्ण रूप से कि शरीर की विभिन्न प्रणाली से? तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जीव पूर्ण रूप से एंड शरीर के विभिन्न प्रणाली से, बी और डी यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए प्रशासन का शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग होता था। विलियम न्यूमैन, हेरोल्ड कुंट्ज, अर्नेस्ट डेल डाल्टन, ई मैकफारलैंड आदि विद्वान प्रबंधन एवं प्रशासन को एक ही मानते थे। इनके अनुसार सभी संगठनात्मक क्रियाएं अर्थात नियोजन, संगठन, निर्देशन, सहयोग या नियंत्रण आदि के संपादन हेतु एक ही व्यक्ति प्रबंधन एवं प्रशासक की भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरंगता, व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? दोस्तों जैसा कि इन सभी ऑप्शन से प्रश्न से विगत विदित हो जा रहा है कि ये किस समूह के लक्षण है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक समूह के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना कहलाता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वे अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे, यह है यह क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत। यानी कि सामुदायिक भागीदारी को सरल रूप में किसी समुदाय के लोगों को उनकी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए योजनाओं में शामिल किए जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस शक्ति का एक उदाहरण है
जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना। एक स्वस्थ जीवन शैली यानी एक फिटनेस लेवल वही कहा जाता है जो दैनिक कार्य को ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से संपन्न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है समुदाय की, कि राज्य की, कि माता पिता की, कि व्यक्ति विशेष की। तो दोस्तों स्वास्थ्य आपका है, उसको आप देखभाल करेंगे कि कोई और। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अभिरुचि कि आचार व्यवहार कि दिनचर्या कि जीवन शैली। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी दिनचर्या है वो कैसा है वही आप उसी के अनुसार आप कितना फिट और कितना स्वस्थ रह सकते हैं वो निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिनचर्या, यानी कि फिट और स्वस्थ रहने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक दिनचर्या है। व्यक्ति प्रतिदिन किस प्रकार और कितना सोता जागता है और व्यायाम आदि क्रियाएं कितना करता है, कब क्या भोजन लेता है आदि बातें स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एंड दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोज बना सकूं। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।